वेलकम टू केशवस किचन। बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है जिसमें इंग्रेडिएंट से ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और एरोमेटिक होता है। हमने मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी तो बहुत खाई है, चलिए आज बनाते हैं वेज दम बिरयानी। यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ फूल गोभी, 2 आलू, कुछ बीन्स, हरा मटर और एक गाजर। सब्जियों को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ नींबू का रस। दम बिरयानी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मटन दम बिरयानी की भी रेसिपी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साजीरा, 2 इलायची, 2 जावित्री, 4 से 5 काली मिर्च और फिर इसमें जाएगा 4 से 5 लौंग। अब हम इसमें डालेंगे हरा मसाला, जिसमें जाएगा 2 से 3 हरी मिर्च, बीच में से इसको स्लिट कर लिया है मैंने, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और थोड़ा सा धनिया का पत्ता कटा हुआ। अब मैं इसमें डालूंगी दही। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है। दही को सारे सब्जियों के मसालों के साथ मैरिनेट कर लेंगे। दम बिरयानी को हम एयर टाइट और लो फ्लेम में पकाते हैं ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है और अरोमा है वो राइस सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए दम बिरयानी बहुत ही रिच, फ्लेवरफुल और एरोमेटिक होती है, चाहे वो नॉन वेज बिरयानी हो या वेज बिरयानी। यहाँ अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बासमती राइस, जिसको मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा है 1 आवर बिफोर। अब यहाँ मैंने एक वेसल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें जाएगा होल स्पाइसेस, जैसे साजीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चक्रफूल, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग और जावित्री। अब जाएगा बहुत सारा नमक, बहुत सारा इसलिए क्योंकि हम इसमें चावल पकाकर ड्रेन आउट कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चावल काफ़ी खिला खिला हो। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाए हम डालेंगे बासमती राइस जो सोक करके रखा हुआ है। यहाँ हम राइस को बस 80% ही पकाएंगे और जैसे ही हो जाए हम पानी को पूरा ड्रेन आउट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे वो बर्तन ले लिया है जिसमें हमें दम देना है और इसमें जाएगा 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए अब इसमें डालेंगे 2 कटी हुई प्याज और हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये स्टेज पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है ताकि प्याज ज़्यादा ना भुन जाए। अब जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट करके रखा हुआ है वेजिटेबल्स और हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में, क्योंकि हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। जब हम दम लगाएंगे तो ये सारे वेजिटेबल्स दम में ही पक जाएंगे, सब्जियों को पकने में टाइम नहीं लगता है, अनलाइक नॉन वेज। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जियों को और एक बार चला लेंगे फिर हम दम की तैयारी करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बासमती राइस जो हमने 80% कुक करके रखा हुआ है और राइस को इस तरीके से रखें ताकि वो सारा वेजिटेबल को कवर कर ले। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ धनिया का पत्ता
और इसमें जाएगा देसी घी। जी हाँ, देसी घी बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, तो देसी घी ज़रूर डालें। अब इसमें जाएगा केसर। केसर को मैंने ऑलरेडी हाफ कप दूध में भिगो के रखा है, इसे हम हर जगह स्प्रेड कर लेंगे। केसर बिरयानी को एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और अरोमा देता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए। अब इसमें जाएगा गुलाब जल या रोज़ वाटर, हम 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर को इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब फाइनल स्टेज में हम इसको दम लगाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ आटा को पहले गूंद लिया है। अब गूंदा हुआ आटा को इस तरीके से बर्तन के चारों ओर लगा दें। नेक्स्ट इसमें ढक्कन लगाकर थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए इस पे। अब हम ये हाई फ्लेम में 2 to 3 मिनट्स तक ही पकाएंगे। नेक्स्ट एक कोई तवा ले लें और उसमें वो दम वाला बर्तन रखें, 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। बस बिरयानी रेडी है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है, और चावल भी खिला खिला है और सब्जियां भी पूरे साबुत दिख रहे हैं। तो आप इसको गरम सर्व करें बूंदी रायता के साथ या वेजिटेबल रायता के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू रेसिपी। बाय बाय।